खुला आकाश तो आपको उस खुले आकाश के तले जाने का ये न्योता है। किंतु एक संकोच के साथ कि ये गांधी जयंती का अवसर है, स्मृति पर्व है, तो मेरी स्मृति आज़ादी के पहले के काशी विद्यापीठ के दिनों की ओर जाती है। उसका यहाँ परिचय में जिक्र किया गया तो मुझे वो याद आया। तब गांधी जयंती के दिन दादी अपने पुराने चरखे पर सूत काटती थी, उसकी घुंडी बनाती थी और उसे बापू को समर्पित करती थी। जो विद्यार्थी थे और हम जैसे जो बढ़ रहे थे काशी विद्यापीठ परिवार में, वो प्रभात फेरी निकालते थे काशी की गलियों में। सुबह सुबह जब अभी लोग सोए हुए होते थे तो प्रभात फेरी के ये जो गान हैं, गीत हैं, उनको गाते हुए गुजरते थे लोग। और काशी तो कभी सोती नहीं, आधे सोए आधे जागे लोग, और सोती भी नहीं और जागती भी नहीं, दोनों के बीच में कहीं वो जैसे शंकर के त्रिशूल पर टिकी हुई है। वो सब स्मृति का विषय है, किंतु स्मृति हालांकि अतीत की है लेकिन वो छूटती भी नहीं, भूलती भी नहीं, और उसमें जीना भी नहीं होता। फिर भी ये मुझे जरूर लगता है कि गांधी जयंती के दिन गांधी स्मृति व्याख्यान का क्या काम, व्याख्यान के लिए साल के 364 दिन क्या कम है कि गांधी जयंती को भी उसी में लगा दिया जाए। ये तो मेरी समझ या ना समझी में मौन रहकर उनके स्मरण का, कीर्तन का और वंदन का दिन है। लेकिन जैसी आजकल की प्रथा है और ये कुछ दिनों से चली आ रही है, आपने यहाँ सुना ही कि इतने यशस्वी विद्वानों ने और हस्तियों ने आज के दिन एक व्याख्यान दिया, तो मैं व्याख्यान देने से कैसे अपने को बचा पाता। किंतु दिल की बात यह है कि ये मौन रहकर उनके स्मरण का, पुण्य स्मरण का दिन है, और उस पछतावे का, उस ताप का, संताप का भी दिन है कि क्या वे दिन थे और क्या आज की स्थिति है। वे दिन, वे लोग सुनकर आपको लगेगा कि निश्चय ही ये सठिया गए हैं और
उन दिनों की उन युगों की बात दोहराना चाहते हैं जो आज है नहीं, और जो नहीं है उसका गम क्या? वो नहीं है सो नहीं है, और जो है और जो होना चाहिए इसके बीच में, इस द्वंद में हम पड़े तो उसका तो कुछ मतलब है? जो हुआ सो हुआ, अब तो जो है सो है, और जो है वो क्या है? इसलिए सोचकर, और बहुत सोच करके भी नहीं, जब सुरेंद्र कुमार जी का बेंगलुरु में जिसका जिक्र हुआ कि हरित वनम है, चंदन का वन है, एकांत है, हवाई अड्डे से 2.5 घंटे की दूरी, स्टेशन से 1.5 घंटे की दूरी, अशोक जी उसके साक्षी हैं, उनको हम लोग एक बार वहाँ निहत चुके हैं। तो ऐसे एकांतवास के दिनों में इन्होंने मुझसे पकड़ के ये कहा कि ये व्याख्यान का कोई विषय बताइए, कुछ गांधी जी से जुड़ा हुआ जो भी विषय आप तय करें, ये आप पर है, लेकिन एक विषय तो होना चाहिए। तो मैं बड़े दुविधा में पड़ गया कि अब तो कोई विषय भी सुझाना है। तो मुझे सूझा कि अहिंसात्मक प्रतिकार गांधी के बाद, क्योंकि गांधी जी तो गए, कितने वर्ष हो गए यही ऐसे नहीं, उस अवस्था में, उस नई मिली आजादी के प्रथम उन्मेष में कितना उन्माद पैदा हुआ होगा कि एक गिरोह आकर उनकी प्रार्थना सभा में जाते हुए गोली मार के हत्या कर दे, वो उनका रक्त रंजित कपड़ा, वो उनकी वस्तुएं, ये सब अब गांधी स्मृति का अंग है। किंतु वो तो जैसा मैंने कहा, जो हुआ सो हुआ। अब गांधी के बाद अहिंसात्मक प्रतिकार की क्या दशा है, क्या दिशा है, इसका कुछ लेखा जोखा लिया जाए तो कुछ मशरफ की बात होगी। किंतु इस शीर्षक से जो ये आशा जगती है उसको पूरा करने के लिए मेरे पास और ना आपके पास इतना अवकाश है कि जो सत्याग्रह का विश्व रूप प्रकट हुआ, अपने देश में तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज जो इसकी विश्व व्यापकता है, इसका विश्व रूप, उस विश्व रूप की पड़ताल की जाए और उसकी प्रवृत्तियों का संकेत किया जाए और उनके गुण दोष का न भी कहें तो उनका एक मूल्यांकन करके कुछ उसमें से दिशा सूझती हो तो वो, और न सूझती हो तो वो बताई जाए। ये करने के लिए जितना अवकाश चाहिए, जितना समय चाहिए, जो काल
अपेक्षित है उसका नितांत अभाव है और सब प्रकार की दरिद्रता से तो हम ग्रसित है ही हैं। एक ये समय की दरिद्रता, काल की दरिद्रता, ये एक बड़ी दरिद्रता है और सब होते हुए भी समय न होने के कारण सब अकारत हो जाता है, सब व्यर्थ चला जाता है। ये तो काल की अपनी गति है और समय बलवान है, हम नहीं। किंतु उसके अलावा अब एकांतवास और दुनिया में जो अहिंसात्मक प्रतिकार चल रहा है और देश में, उन सब के साथ मेरा भावनात्मक लगाव तो है किंतु शरीर की अपनी सीमा है। और आप देख ही रहे हैं कि एक सहारे की तलाश न भी हो तो ये आ गई है लाठी। इनके कारण मेरा उतना मैं ये स्वीकार करता हूँ कि प्रत्यक्ष परिचय भी आज नहीं है जो कभी हुआ करता था। कमलेश जी को याद हो न याद हो, उन दिनों में 1960 की जो सिविल नाफरमानी थी उसके पहले उसकी वैचारिक आधारशिला पृष्ठभूमि को पेश करते हुए हम लोगों ने हैदराबाद रहकर एक वर्ल्ड सत्याग्रह नंबर मैनकाइंड का संपादित किया, जिसमें उस समय तक जो दुनिया में गांधी मार्ग पर चल रहे और उससे थोड़ा हटकर भी चल रहे अहिंसात्मक प्रतिकार के आंदोलन थे, उनसे सीधा संपर्क साधा गया। यूरोप दो महायुद्धों से गुजर चुका था और तीसरे की छाया मंडरा रही थी। आज वो साया थोड़ा खिसक गया है, लेकिन 60 की दहाई में तो वो खतरा आसन्न था। क्यूबा में कभी भी बटन दब सकती थी और दोनों ओर से संधारक अस्त्रों का इस्तेमाल हो सकता था। तो उन दिनों उनकी जो प्रधान चिंता थी वो आणविक हथियारों को, एटॉमिक जो जो वेपन्स हैं उनके प्रतिरोध की थी और उसके नए नए प्रयोग और मारक प्रयोग और मारक प्रयोग चल रहे थे। तो पश्चिमी विश्व में तो अपनी चिंता के कारण वे इन आणविक हथियारों के प्रयोग के विरोध का प्रयत्न करते थे। अगर प्रशांत महासागर में अणु परीक्षण करके उसके परिणामों को जांचना है तो अपनी नौका उस निषिद्ध क्षेत्र में, अटलांटिक में, अन्य महासागरों के अंदर जो विस्फोट से जो ज्वाला निकलने वाली है और उसके परिणाम होने वाले हैं, उन महासागरों के तल में हो रहे प्रयोगों के खिलाफ अकेला एक नाविक, वो काशी के पुराने जयशंकर प्रसाद का वो नाविक नहीं कि मुझे भुलावा देकर ले चल, बल्कि जानबूझकर उस निषिद्ध महासागर में, उस रुद्ध महासागर में अपनी वो जो मशीनी नौकाएं हैं वो ले जाते थे। वो गिरफ्तार होते थे
उनकी कड़ी सजा होती थी, फिर भी वो ये कर रहे थे उनसे। और फिर अफ्रीका का महाद्वीप तो अभी खुल ही रहा था, तो वहाँ तो गोरे लोगों को छूट थी। वो अफ्रीका के महाद्वीप में भूमि पर ऐसा प्रयोग करते थे, तो उस निषिद्ध भूमि में, उस वर्जित क्षेत्र में वो उसमें घुसने की चेष्टा करते थे। चेष्टा कभी सफल नहीं होती थी, किंतु उनकी चेष्टा थी। तो उन अलग अलग समूहों से एजेमस्त एक थे, एक ओस्लो में एक पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट चला था, जान वाल्टुंग उसके अधिष्ठाता थे, उनसे जीन शार, उन दिनों एक युवा लेखक थे जो अहिंसात्मक प्रतिकार का अध्ययन करते थे। ये लोग सुना बाद में जीन शार तो भारत भी आए, धर्मशाला आए। एवरिल कार्टर एक युवती थी जिन्होंने आगे चलकर ओपन यूनिवर्सिटी का जो आंदोलन शुरू हुआ उसमें शिरकत की, उन सबसे संपर्क साधा गया। एवरिल कार्टर की जिज्ञासा थी कि हम किस अन्याय का प्रतिकार करें, हमारे समाज में हमारी सरकार तो ब्रिटेन में इतना कुछ खास अन्याय करती ही नहीं है, और हमारी जो लंदन के जो जो उनकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो भी अपना चुस्त दुरुस्त काम करती है, तो क्या आप हमें बताएंगे, उनका प्रश्न था, कि हम किस अन्याय के खिलाफ यहाँ प्रतिकार करें और क्या कर सकते हैं इत्यादि इत्यादि। तो ये पश्चिम के लोगों का हाल था। अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ नेल्सन मंडेला और उनके साथी, लेकिन ये देश अभी आज़ाद नहीं हुए थे। घाना, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे, ये सब उस राह पर थे। इनके नेताओं से जो मे केनाडा अक्रमपुरा ने बुरा नहीं हो कुछ थे जो उसके बाद में अध्यक्ष वगैरह हुए, इनसे खोज खोज कर इधर उधर से पता करके उनसे व्यक्तिगत संपर्क साध करके उनके आंदोलन के बारे में सूचना और उनको थोड़ा बल, भारत की जो भी दुर्दशा अपने देश के अंदर हो लेकिन भारत के बाहर तो इसकी बड़ी महिमा है, और अभी अभी तो गांधी युग से निकले ही थे, तो उनको थोड़ा भारत से कोई हमारे आंदोलन के बारे में पूछता है, और मैनकाइंड जिसको मैनकाइंड की चिंता है वो मैनकाइंड का एक युवा संपादक पूछता है, तो उन्होंने भी अपनी ओर से आगे आके उन सब की सूचना दी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, अब तो वो एक उन संतों की कोटि में आ गए हैं जिनका यशोगान विश्व में है। मार्टिन लूथर किंग और नेशनल एसोसिएशन ऑफ एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल्स, ये जो रंगीन लोग हैं वहाँ जो अश्वेत हैं, उनका एक नेशनल एसोसिएशन ऑफ एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल्स नामक संगठन था, और उनकी ओर से वहाँ रंग भेद के खिलाफ, अमेरिका में रंग भेद के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था उसके लोग थे। एक लड़का अकेले एक लैंप पोस्ट के नीचे खड़ा है, रंगीन लड़का है, और गोरे लड़के उसको चढ़ा रहे हैं, और वो अपना बस्ता उसका दबाए वो उस स्कूल में प्रवेश चाहता है जिसमें सिर्फ गोरों के लिए प्रवेश है। रोजा पार्क्स एक बस में बैठी थी, और बस में कुछ सीटें ऐसी थीं जो सिर्फ गोरों के लिए थीं, वहाँ ये अश्वेत महिला रोजा पार्क्स वो कहाँ से बैठ गई, उसको उन्होंने कहा कि तुम हटो यहाँ से और अपनी सीट पर जाओ, उसने इनकार कर दिया। उसने कहा ये बहुत हो गया, अब मेरे पांव दुख गए हैं, अब मुझसे चला नहीं जाता, मैं तो जहाँ बैठ गई वहाँ बैठ गई। ये हिमाकत, और वो अमेरिका के दक्षिणी प्रदेश में उसे गिरफ्तार किया गया, उसने वो सजा झेली, लेकिन उससे एक आंदोलन शुरू हो गया। मार्टिन लूथर किंग ने इसको ऐसे शिखर पर पहुंचाया
उनका वाशिंगटन मार्च प्रसिद्ध है, आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। वो सपना कि जहाँ श्वेत अश्वेत बराबरी के स्तर पर एक दूसरे से मिलजुल कर एक नए अमेरिका का और एक नए विश्व का निर्माण करें, उस सपने के प्रवर्तक मार्टिन लूथर किंग को तब बहुत लोग नहीं जानते थे। उनसे संपर्क करके इस अंग के लिए लिखने की मैंने प्रार्थना की, उन्होंने इसे स्वीकार भी किया, किंतु उनकी व्यस्तता और उनकी फिर बाद में शहादत इत्यादि के कारण वो लेख उनका तो प्राप्त नहीं हुआ। उनके सहयोगियों ने उनके आंदोलन के बारे में लिखा इत्यादि इत्यादि। ये सब मैनकाइंड के वर्ल्ड सत्याग्रह नंबर में, और उसी के साथ चौखंभा, चौखंभा एक हिंदी साप्ताहिक था, उसका भी एक विशेषांक, दोनों कभी मार्च 1960 में प्रकाशित हुए। अब वो सब भी एक अभिलेखागार की वस्तु हो गए हैं। अगर आप में से किसी की रुचि हो, मेरे पास तो उनकी भी प्रतियां नहीं हैं, उनकी रुचि हो इनकी, इनको वो शायद डॉक्टर हरदेव शर्मा बहुत ढूंढ ढांड कर नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में ये सब साहित्य जमा करते थे और रखते थे। शायद वहाँ कहीं वो मैनकाइंड का वर्ल्ड सत्याग्रह नंबर और चौखंभा का जो सिविल नाफरमानी विशेषांक अगर हो तो उसे देख सकते हैं। तो ये तो 50 साल से भी अधिक की बात हुई। अब इन 50 वर्षों में जमुना और कावेरी में, मिसिसिपी मिसौरी में और वोल्गा में तो बहुत जल बह गए। अब का क्या हाल है इसका सर्वेक्षण करने के लिए, जैसा मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया, न तो अवकाश है, और सच कहूँ तो न मेरी उतनी प्रत्यक्ष जानकारी है। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि ये एक जैसे रिले रेस, स्कूल में हम लोगों को दौड़ने के लिए कहते थे, एक पताका लेके दौड़ते थे और उस पताका को दूसरे को सुपुर्द कर देते थे, फिर वो लेकर दौड़ता था, फिर वो और को, इस तरह से ये पताका हाथ बदलती थी और ये दौड़ चलती जाती थी। तो मैं समझता हूँ कि इन मामलों में भी एक प्रकार की रिले रेस की आवश्यकता है, और ये भी कोई नई चीज़ नहीं है। जैसे सत्य और अहिंसा जो गांधी जी के मार्ग के आधार स्तंभ हैं, जो उसकी आधारशिला है, सत्य और अहिंसा, ये तो इतने ही पुराने हैं जितना कि हिमालय और हिंद महासागर। ये अलबत्ता है कि ये गांधी जी के प्रयोग के पहले ये व्यक्तिगत आध्यात्मिक आंतरिक अपनी अंदरूनी साधना के विषय थे। पतंजलि के योग सूत्र में जहाँ यम नियमों का बखान है, वहाँ ये यम के अंतर्गत आते हैं। यम वे हैं जो जाति, देश, काल, समय से अनवच्छिन्न है, उसे घिरे हुए नहीं है, अनवच्छिन्न है। जाति, देश, काल, समयानुच्छिन्ना महाव्रतम, ये महाव्रत है, और उनमें सत्य और अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह की गणना है।